तो हेलो दोस्तों, जो कि है आउजा का SS500EM का ये वाला एम्पलीफायर है। और इसका जो इसका फ्रंट लुक है ऐसा है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये इसका मास्टर वॉल्यूम है। इसके बाद ये ट्रेवल का, ये इसका बेस का होगा, इसका ड्राइवर यूनिट इस बेस स्पीकर के लिए होगा या बॉक्स स्पीकर के लिए। और इसके बाद ये ऑक्स 2 ऑक्स 1, अरे सब तो माइक्रोफोन के लिए होता है, जो 7वीं माइक्रोफोन लगेगा। इसके बाद ये स्विच है जो कि ऑन ऑफ के लिए, और इधर माइक्रोफोन के लिए जो सॉकेट दे रखा है कंपनी है ये वाला है। इधर एक पावर स्विच है, इसके बाद इधर एक ओवर लोड का इंडिकेटर है, इसका वन इंडिकेटर है, इसका रिसेट का लिए दे रखा है कंपनी है। और जो कि इधर वो इंडिकेटर दे रखा है जो कि स्विच के लिए होता है। और इसके बाद इसका बैक पैनल देखा था, इसको देखिए, इसका साइड लुक ऐसा है, इसके अंदर का कुछ ऐसा है। तो अंदर में ओपन करूँगा कुछ दिन बाद इसको। और इधर DC के लिए कार का 3 बैटरी लगेगा, जो कार बैटरी होता है वो 3 बैटरी लगेगा इधर। और इधर ये हॉर्न के लिए जो होता है 70 वोल्ट 100 वोल्ट होता है। इसके बाद कॉमन 4 ओम्स एंड 8 ओम्स होता है, इसका फ्यूज है। और इसके बाद ये एक अर्थिंग के लिए होता है। और इसके बाद जो कि है इधर ऑक्स 500EM इसका मॉडल नंबर है। इसके बाद इधर एक हीटिंग लगा रखा है जो कि इधरों है, जो इसके अंदर टेंडेस्टर है, इधरों है। तो इसका साउंड टेस्टिंग जब होगा तब वीडियो डाल दूंगा, इसका साउंड टेस्टिंग का वीडियो। तो अभी तो साउंड टेस्टिंग नहीं होगा, तो थोड़े जब बुकिंग होगा एम्पलीफायर का तब इसका साउंड टेस्टिंग कर दूंगा। और जो मेरा आवजा का SS700 है तो उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों को कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में।